अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली इस व्लॉग को भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे और ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। और हम इन्वाइटेड थे सेविज मॉम की तरफ, आपके एंड पे पता चलेगा क्योंकि उनसे हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं। और वहाँ पर हम गए तो उनका घर बहुत खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने कहा चलें उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग्स आपसे शेयर करती हूँ, आप भी देखें और बताएं कि आपको उनका घर कैसा लगा। और जब बाजी ने बताया कि ये पूरा घर उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया और इसकी सारी डेकोरेशन, सारी कलर स्कीम्स वगैरह उन्होंने खुद पसंद की, तो फिर हमने और भी शौक से इसकी सारी छतों की डिज़ाइनिंग और इनके कॉर्नर्स की सजावट देखी। और सबसे अच्छी बात जो इनके घर की लगी वो इस घर का हवादार होना था और यहाँ पर खुली फिर मकदार में धूप मुयसर थी, तो मैंने इस मौके को जाने नहीं दिया। पिछले तकरीबन 3-4 साल से ऐसा है कि सर्दियों में मुझे धूप मिली ही नहीं, तो ये कह के दिल को तसल्ली दे लेती हूँ कि मेरे हक में नहीं अच्छी होगी जो नहीं मिलती। एक दो दफ़ा प्लान किया कि पार्क चलते हैं या सिस्टर की तरफ जाती हूँ या किसी फ्रेंड की तरफ जाती हूँ, तो उस दिन धूप निकलती ही नहीं। यहाँ इतने अरसे बाद जब धूप मिली तो मैंने खूब विटामिन डी हासिल की और दिल से इन्हें दुआएं दी, अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, सलामत रखे। और बाजी ने बताया कि इनकी क्यारियों में नीचे वेजिटेबल्स काफ़ी उगी हुई होती थी तो वो इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब सिर्फ लेमन है और अमरूद हैं। तो यहाँ पर ज़बीउल्लाह लेमन तोड़ते हुए फ्रेश लेमन जो इन्होंने हमें खाना यमी सा बना के खिलाया उसमें इस्तेमाल किए, तो ये देखें जी ज़बीउल्लाह लेमन्स के साथ। और फिर इनके घर के साथ ही एक पार्क है जो मुझे तफसीर लगता है उस लाइन की जो हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे कि मेरे घर के सामने एक बाग है, तो वो यही बाग लगता है जी। हमें वहाँ गए, शाम हो गई तो ढलते सूरज का ये मंजर, खूबसूरत आसमान और परिंदों की घरों की वापसी के साथ नहायत हसीन लग रहा था। मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। और इसके बाद हमने बहुत लजीज खाना इंजॉय किया जिसमें पोटैटो चिकन कटलेट्स थे, बहुत मज़े के बने हुए थे, और उसके साथ हेल्दी बीन्स मैक्रोनी और फ्रूट सैलड थी, ये भी बहुत ही मज़े की थी, सब ने बहुत पसंद की। और उसके बाद अचारी चिकन था और गर्मा गर्म नान थे, रायते के साथ लुत्फानंदोज़ हुए। इसके साथ भी फिर स्वीट डिश में फ्रूट कस्टर्ड था जो हम सबको बहुत पसंद है, सब ने बहुत इंजॉय किया, मज़े मज़े की बातें करते, एक दूसरे को छेड़ते हुए खाने का लुत्फ उठाया। अल्लाह पाक इनके दस्तरखान को इसी तरह हमेशा भरा पूरा रखे और पकाने वालों के हाथ सलामत रहे। और फिर जी बाजी के नेबर्स हमसे मिलने के लिए आए, मुस्तबशरा भी वहाँ पर हमारे साथ साथ थी। देखें ये कितनी क्यूट माँ बेटी की जोड़ी है माशाल्लाह। और ये जी बाजी की झलक आपको दिखाते हैं पहचाने तो। और ये इस मकसद के लिए गए थे कि बाजी ने बताया उनके यहाँ से बहुत मज़े के गोलगप्पे मिलते हैं तो इनका हम चैलेंज करेंगे, तो इससे हम कैसे मना करते भला। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे साथ देखें कौन मौजूद है। ये है इनका छोटा सा चैनल है, बहुत क्यूट इनकी वीडियोस होती हैं, ज़बी व्लॉग्स। ज़बी हेलो कहते हैं व्यूअर्स को। हेलो, पूछे कैसे हैं आप सब। और हमारे साथ मौजूद है सेविज मॉम, इनके भी बहुत मजे की वीडियोस होती हैं और बहुत हम इंजॉय करते हैं। आज इनके इन्विटेशन पे हम यहाँ आए हुए हैं, बाकी सारी वीडियो आपसे बाद में शेयर करेंगे, अभी आपसे गोलगप्पे का चैलेंज जो है वो शेयर करेंगे। और ये हमारे सामने मौजूद है गोलगप्पे और साथ में इनका पानी, इनमें से जो भी पहले फिनिश करेगा वो जीत जाएगा। विनर चले, हाँ विनर वही होगा जो इसे पहले फिनिश करेगा। ठीक है चले स्टार्ट करते हैं। और हमें चीयर अप कौन करेगा, बोलो बच्चो। हम चले ठीक है करें। 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट हो। हमारी कौशल बाजी जीत गई है, इनसे हमें
आपको पहले भी मिलवाया था, उनका भी खट्टा पीने को दिल कर रहा है लेकिन बाद में मिलेगा इन्हें। और सेकंड जबीला है मेरा, नहीं ये खुद ही छोड़ जाए, मैं इसे एंजॉय करना चाहती हूँ बड़े मजे के साथ। होपफुली आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।